नमस्कार, मैं रिया आहूजा, स्वागत है आपका मेरी दिल्ली न्यूज बुलेटिन में। गोऋषि स्वामी दक्षिणानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में 29 जून से 29 सितंबर तक किए जा रहे वेद लक्षणा गो चेतना चातुर्मास मंगल महोत्सव के अंतर्गत श्रद्धेय अजय याज्ञिक जी के मुखारविंद से पहली बार लगातार 5 दिनों तक श्री हनुमंत चरित्र मानस कथा सुनकर सभी श्रद्धालु भक्त निहाल हो गए। इसी कड़ी में 15 से 18 सितंबर तक पूज्य घनेश्वर भाई जोशी के श्रीमुख से श्री गो भक्तमाल कथा का आयोजन नरसिंह सेवा सदन पीतमपुरा में किया जा रहा है। 19 सितंबर को नरसिंह सेवा सदन में ही गणेश चतुर्थी उत्सव एवं 23 सितंबर को राधा अष्टमी मनाई जाएगी। श्री गोधाम महातीर्थ पथ मेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास की दिल्ली इकाई के मुख्य संरक्षक सुभाष अग्रवाल, अध्यक्ष राकेश बिंदल, अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गर्ग एवं केंद्रीय सचिव आलोक सिंगल ने सभी श्रद्धालु भक्तों को महोत्सव में सादर आमंत्रित किया है। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग में कम्युनिकेशन एंड पेशेंट सेफ्टी विषय पर वर्कशॉप का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर कम्युनिकेशन की निदेशक डॉक्टर इंदु अरनेजा एंड ट्रांसफॉर्मेशन कोच पारुल गुप्ता द्वारा इस वर्कशॉप में चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को मरीजों के साथ बेहतर संवाद की तकनीक के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। ट्रस्ट के प्रधान सुभाष गुप्ता, महामंत्री प्रवीण कुमार गुप्ता एवं कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने इस आयोजन के लिए हॉस्पिटल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर दीपक सिंगला की सराहना की। प्रमुख उद्योगपति एवं समाज सेवी टाइम्स लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के CMD कमल गुप्ता ने मेरी दिल्ली के साथ एक साक्षात्कार में बताया कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा दिए गए मंत्र वसुदेव कुटुंबकम का जाप आज पूरी दुनिया कर रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी जी के नेतृत्व की चर्चा आज पूरे विश्व में हो रही है। कमल गुप्ता ने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब दुनिया भर के देश भारत की काबिलियत को स्वीकारने से पहले कई बार सोचते थे और प्रमाणित तथ्यों के बाद भी हमें अपेक्षित सम्मान प्राप्त नहीं होता था, लेकिन आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा किए गए कार्यों से पूरा विश्व प्रेरणा ले रहा है। महिला मंडल पंजाबी बाग द्वारा श्री कृष्ण छठी उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। संस्था की संस्थापक अध्यक्षा डॉक्टर मीना गुप्ता ने बताया कि जयदेव पार्क भगवान दास नगर स्थित श्री शिव मंदिर में आयोजित इस उत्सव में प्रसिद्ध भजन गायिका सुमन बजाज ने अपने भजनों की प्रस्तुति से श्रद्धालु भक्तों को भाव विभोर कर दिया। इस उत्सव पर श्री कृष्ण व राधा रानी की मनोरम झांकियां भक्तों का मन मोह रही थी। उत्सव के समापन पर सृष्टि वाटिका के प्रेम गोयल एवं हर स्वरूप गोयल द्वारा भक्तों के लिए विशाल भंडारा लगाया गया। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के छात्रों के लिए हिंदी दिवस समारोह के साथ नव शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ विशेष अनुभव रहा। कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर रमा, लोकप्रिय हास्य कवि प्रताप फौजदार, अनिल अग्रवंशी और पूर्व संयुक्त निदेशक यशपाल शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर संस्थान द्वारा अद्वय के चौथे चरण का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मेम्स की निदेशक प्रोफेसर रजनी मल्होत्रा ढींगरा, मेम्स के सलाहकार प्रोफेसर SK गर्ग, संस्था के उपाध्यक्ष जगदीश मित्तल, मुख्य कार्यकारी ज्ञानेन्द्र श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। अपने संपादकीय लेख में श्री राजेश गुप्ता ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की सफलता निश्चित रूप से दिल्ली वासियों के लिए गौरव की बात है, लेकिन इस सम्मेलन को लेकर तथ्यों को गलत नजरिए से पेश करने की प्रवृत्ति से सोशल मीडिया यूजर्स को बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर विभिन्न देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के राजघाट पर नंगे पैर जाने आदि को लेकर जिस प्रकार से अजीबोगरीब पोस्ट किए गए हैं, वे हमारी मानसिक संकीर्णता को दर्शाते हैं। श्री राजेश गुप्ता ने कहा कि ऐसी ओछी हरकतों से देश की छवि धूमिल होती है, इसलिए ऐसी बचकानी हरकतों से बचना चाहिए। श्री दादी जी सेवा संस्थान द्वारा शक्ति मंदिर शालीमार बाग में 15 सितंबर को
श्री रानी सती दादी जी का भद्रपाद अमावस्या पूजन पूरे विधि विधान के साथ किया गया। संस्थान के हरीश नारसरिया ने बताया कि इस अवसर पर श्री रानी सती दादी जी का भव्य श्रृंगार किया गया था। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक उनका पूजन अर्चन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में भारत लोक शिक्षा परिषद पश्चिमी दिल्ली चैप्टर द्वारा आज रविवार 17 सितंबर को एकल कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन क्वात्रा टेंट राजौरी गार्डन में शाम 5 बजे से होगा। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत लोकसभा परिषद ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण गोयल करेंगे। कार्यक्रम के दौरान आमंत्रित कविगण अपने खास अंदाज में कविता पाठ पर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर देंगे। इस दौरान एकल विद्यालय के संचालन में सहयोग प्रदान करने वाले महानुभावों को सम्मानित भी किया जाएगा। आंचल हर्बल ब्यूटी पार्लर द्वारा सेक्टर 18 रोहिणी में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ब्यूटीशियन कोर्स सफलतापूर्वक करने वाली लड़कियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर इजी इंडिया की तरफ से सभी लड़कियों को टी शर्ट्स भी वितरित किए गए। आंचल हर्बल ब्यूटी पार्लर की संचालिका आंचल दहिया ने बताया कि उनके सेंटर से बड़ी संख्या में लड़कियाँ ब्यूटीशियन कोर्स कर आत्मनिर्भर बनी हैं। अपने संपादकीय लेख में श्री अक्षय गुप्ता ने राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से आंशिक राहत के नजरिए से G20 सम्मेलन का समय काफी बेहतर बताया है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की अवधि में दिल्ली वासियों ने साफ एवं स्वच्छ हवा में सांस ली, क्योंकि इस दौरान वाहनों के प्रवेश पर रोक लगी थी। इसलिए सरकार को चाहिए कि निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा दें। सभी लोग भी इसमें स्वेच्छा से योगदान दें। साथ ही मालवाहक वाहनों को बाईपास करने एवं दिल्ली के बाजारों में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति हो। श्री अक्षय गुप्ता ने कहा कि इससे काफी हद तक प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सकता है। संस्कृति विश्वविद्यालय मथुरा में एनोटिस भारत 2.0 के बैनर तले 2 दिवसीय PPT प्रेजेंटेशन कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एनोटिस भारत 2.0 के संचालक एवं RSS के विभाग प्रचारक अरुण पांचजन्य ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आपको अपने आइडिया को सामने लाना चाहिए, आपकी ऊर्जा का उपयोग सबके लिए होगा तो सबका लाभ होगा और देश प्रगति करेगा। संस्कृति विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर सचिन गुप्ता, CEO डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, डॉक्टर रजनीश त्यागी व डॉक्टर कमल कौशिक ने भी छात्रों का मार्गदर्शन किया। ऑर्लिंस द स्कूल रोहिणी में हिंदी सप्ताह उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस मौके पर स्कूल में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विद्यालय की प्रिंसिपल डायरेक्टर श्रीमती अमीशा गौड़ ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उनकी सराहना की और प्रमाण पत्र दिए। उन्होंने एक प्रेरणादायक कविता का सस्वर वाचन भी किया तथा विद्यार्थियों को हिंदी भाषा बोलने में गर्व महसूस करने के लिए प्रेरित किया। हिंदी विभाग की अध्यक्षा श्रीमती सुजाता टेकवानी एवं अन्य शिक्षिकाओं ने भी हिंदी भाषा के सम्मान में अपने अपने विचार प्रकट किए। दिल्ली की सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक खबरों के लिए पढ़ें मेरी दिल्ली साप्ताहिक समाचार पत्र। यदि आपको मेरी दिल्ली नहीं मिल रहा है तो कृपया इन नंबरों पर संपर्क करें 8588849250, 9899632000। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ खास खबरें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।